नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फरीदकोट पुलिस ने दो नौजवानों को काबू करने में की सफलता हासिल। 4 देसी पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, 60 ग्राम हेरोइन की बरामद। सुनाम की बालाजी कॉलोनी में 11,000 वोल्ट की तार से करंट लगने से एक प्रवासी मिस्त्री की हुई मौत। टाइल लगाते समय लगा करंट। सुनाम में चोरों के बाद चोरनियों ने लोगों की उड़ाई नींद। सरकारी अदारे से चुराया पंखा। और अब हलचल विस्तार से। फरीदकोट के एसएसपी हरजीत सिंह आईपीएस के दिशा निर्देशों पर जिला फरीदकोट की पुलिस की ओर से नशा तस्करों और समाज विरोधी अंसरों के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, जिसके चलते पुलिस ने दलजीत सिंह नामक एक युवक को 60 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया था। पुलिस की पूछताछ के दौरान दलजीत सिंह ने बताया कि यह हेरोइन उसे अजय कुमार जोतराम बस्ती फरीदकोट के द्वारा मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अजय कुमार को फिरोजपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ करने संबंधी लेकर आई थी। इस संबंधी एसएसपी हरजीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अजय कुमार की निशानदेही पर 4 रिवॉल्वर बरामद किए गए हैं, जिनमें 2 पिस्टल देसी 32 बोर समेत 6 जिंदा कारतूस, 1 देसी कट्टा 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस, 1 देसी कट्टा 315 बोर बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन असले के साथ दोषियों ने रंजिश के चलते शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था, तो वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस की मुस्तैदी से शहर में बड़ी वारदात होने से टल गई। फिर फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। 122 नंबर मुकदमा जिहड़ा हैगा थाना सिटी टू फरीदकोट दे विच दर्ज किया गया सी 6 अप्रैल नूं, जिहदे विच 60 ग्राम हीरोइन बरामद की गई सी। उहदे विच पुछगिछ दौरान दलजीत जीता नाम का जिहड़ा मुख्य दोषी सीगा, उहने अपनी पुछगिछ च अजय कुमार का नाम लिया, जिहड़ा कि फरीदकोट शहर का ही रहण वाला व्यक्ति सी। तो उस व्यक्ति जदों प्रोडक्शन वारंट पर फिरोजपुर जेल चो लिया गया तो उस पासों 4 फायरआर्म जी है रिकवर की ने सी आई टीम ने दौरान तफ्तीश, तो ये 2 32 बोर पिस्टल्स ने जिन्हों के 6 राउंड मिले ने, 1 12 बोर का देसी कट्टा, 315 बोर का देसी कट्टा जोड़ा है बरामद। ये जिहड़े हथियार ने इस व्यक्ति ने जिहड़ा कि अजय कुमार नाम का व्यक्ति है तो फरीदकोट शहर का रहन वाला है, इसने अपने निजी मकसद के तहत किसी व्यक्ति जिहड़ा है कि जानी नुकसान पहुँचाने वास्ते मंगवाए सन। इन्हां दे जिहड़ा अजय कुमार है उहदा दीपक नाम के व्यक्ति ना जिहड़ा कि जैतो दा रहन वाला है, पिछों उस नाल दोस्ताना संबंध जिहड़े है सुनाम की बालाजी कॉलोनी में एक दुखद हादसा उस समय घटित हो गया जब एक कोठी में टाइल का काम कर रहा प्रवासी मिस्त्री घर के पास से गुजरती 11,000 वोल्ट की बिजली की मेन लाइन की चपेट में आ गया। करंट का झटका इतना जबरदस्त था कि युवा मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाला अभी अविवाहित था। मृतक के पारिवारिक सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल है। इस संबंधी कॉलोनी में रहने वालों का कहना है कि 11,000 वोल्ट की मेन लाइन कई घरों के पास से होकर गुजरती है। उन्होंने बताया कि सारी कॉलोनी कट चुकी है और नए घर बन रहे हैं, इसलिए बिजली विभाग को चाहिए कि तार को या तो हटाए या इस पर कवर चढ़ाए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी हरमीत सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर मृतक देह को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। टाइल पत्थर का काम करता सीगा जी 4-5 दिन तो उठे जी, ठीक है। एक कल्ला सीगा मेरे चाचे का मुंडा है जी, एदा नाम मिथलेश कुमार है, तो काम करता सीगा, पता नहीं उपर कोठे ते तार गई हुई सी मुठे, उन्हू बिजली लग गया, करंट लग गया जी 11,000 नाल। सरकार तो देख लो, एक कल्ला कमाने वाला सीगा, एदे मां बाप ने। मैं टाइल उपर से लेके नीचे आया सी जी, कोठे ते पानी लग गया है सी, ठीक है।
ये बंदा फोन करके ऊपर गया सी, फोन लगे किसी से बात कर रहा था, ये बात चलते चलते जिधर तार सी वहाँ चले गया, वहाँ इसने इंची टेप था कि पता नहीं इसके हाथ में क्या था, ये वहाँ खड़ा होकर बात करने लग गया, वहाँ तार सी तार बिछी लग गया बिछी ऊपर चले, मजदूर है कोई पत्थर पत्थर काम कर दे होने ऊपर, लगे फोन कर रहे थी, फोन करते करते कहते ऊपर चला गया है, जिंदा भी लगे जिंदा भी खोले है, उस तो बाद नवेरे से खड़ा भाई तारा ने खिंच लिया पता नहीं कि होया, लोगों ने बिजली बंद करवाई है, फिर जाके छड़े बिजली तारा नीमे भी बहुत ने 8-10 फुट पे 12 फुट पे तारा ने नीमे, ये प्रशासन चाहते कि तारा उच्चा कराया जाए जा इन्होंने पाइप पवाई जाए क्योंकि सारी कलोनी कट्टी गई। घंटा पहला फोन आया बारह जी कलोनी चो भी एक मजदूर है जिसे करंट लग गया, तो उस बाद असं मौके से पुष्टि हुई है जी करंट लग गया, हम कि तफ्तीश कर दे डेथ हो गई, डेथ हो गई किन्ने साल का सी, वो 20-25 साल की उम्र से। अब सुनाम के बाजारों में चोरों के साथ चोरनी की दहशत भी बढ़ने लगी है, पहले तो चोर ही लोगों को रात के अंधेरे में चूना लगाते थे, अब मैदान साफ देख चोरों के बाद चोरनियों ने इस मामले में अपने हाथ आजमाने शुरू किए हैं। सुनाम में तो एक चोरनी के कारनामे की सारी कहानी सीसीटीवी में कैद होगी। दरअसल बठिंडा रोड पर बने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का चौकीदार रात भर पहरा देने के बाद जब सुबह थोड़ा सुस्ता रहा था तो अंधेरे से निकलकर एक चोरनी आई और चौकीदार को हवा दे रहे फ्राटा पंखे को लेकर चलती बनी। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस दौरान पीड़ित ने पीसीआर से रात के समय गश्त बढ़ाए जाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप को लेकर चोरनी को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है, लेकिन साथ में अपनी मजबूरी को भी जाहिर कर रही है कि हर जगह पुलिस खड़ी नहीं की जा सकती। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। चौकीदार सुत्ता पिया है, चौकीदार दा पखा चक के ले गई, इस बारे एक सिर्फ खबर सुनी है, पर जो चौकीदार की करूँगा जे पखा चक गया कि चौकीदार ना चक्या जाए, पर हर थान पुलिस लाने तो संभव नहीं होंगी, फिर भी सीसीटीवी फुटेज से असी ट्रेस करके उन्हों लभण की कोशिश करा कि लेडीज है वो क्यों यह जे हालात बने, चौकीदारा के पखे चोरी होने लग गए तो फिर होर पुलिस कल कल घर से किमें लाई जाऊगी। यह जी चौकीदार साडा सवेर के टाइम असं उन्होंने कहा भी सो जा कर थोड़ा जहा तू चल रात को ड्यूटी दिता, हो यह जी एक लेडीज आई सवेरे 4:10 से उन्हें जी पखे की तार क्ढ़ी सर, जो पखे की तार क्ढ़ी पखा बंद थोड़ा जहा चौकीदार हिलया वो भज के इतने साडा ट्राला खड़ा ही सैड से ट्राले के उल्ले हो गई, 2 मिनट बाद चौकीदार जो सो गया पखा चक्के फरार हो गई। गल इदा सर भी प्रशासन की फूक निकली भी है जमा, पहला इतने PCR चलिया करती सी 2 साल पहला, PCR 5 बार इतने हूटर मार के चलिया करती, कदे देखा नहीं सी इहा कम, और बड़ी गल यह है भी शहर के जिहड़े शलारू चोर फिरते हैं, चोर तो देखने चोर नहीं पहली बार देखी जी लेडीज भी, एक सानू पखे की यह जी गल नहीं हैगी, प्रशासन की गल यह है भी बंदे का जिहड़े मुंडे जे चोरियां करते फिरते हैं गलत आ, पर चोर नहीं पहली बार देखी है जी, ये बारे सरकार नू प्रशासन नू कोई पुख्ता माड़ा जिहा आपदा प्रबंध करना चाहिए, रात नू PCR वगैरह जां कोई होर 4 गेड़े लाण पुलिस वाले तां कि लोकां च थोड़ा बहुत डर पैदा होवे। गत रात्रि हुई बरसात और तेज आंधी ने किसानों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। गत रात्रि हुई बारिश के कारण किसानों की मंडियों में पड़ी गेहूं भीग गई। गेहूं की फसल की खरीद संबंधी किए गए इंतजामों के बारे में मार्केट कमेटी जिला के सचिव किशन लाल ने बताया कि मंडियों में आ रही गेहूं के संरक्षण की जिम्मेदारी आढ़तियों की बनती है और उनकी ओर से आढ़तियों को हिदायतें जारी की गई हैं कि वे किसानों को तरपाल आदि उपलब्ध करवाए ताकि गेहूं की फसल को भीगने से बचाया जा सके। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। मेन मंडी मार्केट कमेटी जीरा तो इलावा सारे सेंटरां विच पूरे छां बिजली पानी के इंतजाम किए गए ने, इस तो इलावा जो रात बारिश आई है उनके विच आड़तियां नूं भी असीं इतलाह दे दिए ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੇਰੀ ਨੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੀ
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਧਾਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰ ਸੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अहम उपलब्धियां हासिल करने वाली संस्था सीबा की ओर से लहरा कागा बस स्टैंड के नज़दीक इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर का उद्घाटन प्रसिद्ध फिल्मी अदाकार करमजीत अनमोल ने किया। इस मौके पर करमजीत अनमोल ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आज के नौजवान अच्छे ढंग से तैयारी कर विदेशों में जा रहे हैं, जिन्हें दिशा देने के लिए ऐसे ईमानदार और पारदर्शी सेंटर का होना ज़रूरी है। ये सेंटर लहराकागा के पिछड़े इलाके के लिए वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि विदेश में जाने के लिए नौजवान गैर कानूनी ढंग की बजाय सही ढंग को ही अपनाएं, ताकि उन्हें बाद में किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मैं सब तो पहले तो कबलजी ढेड़सा ते लक्की ढालीवाल नूं साडे वीर नूं बहुत बहुत बधाइया। सो एक इन्हां दे होर देला साहब ने उन्हां नूं भी बधाइया। सो बहुत चंगी गल है कि एक यहोजे शहर के इन्ना वधिया सेंटर खुलिया आईलैट्स सेंटर, और बच्चों दूर नहीं जाना पवेगा। और मेरे वालों शुभकामनावान ने इन्हों सारे तिना भावों के परमात्मा इन्हों तरक्या बख्शन इस काम के। इस टीम को पहले तो जानता, पहले दिन तो जदों इस इलाके एक सोसायटी बनी सी सीबा सोसायटी, सोसायटी फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनैस इन बैकवर्ड एरियाज, वो मतलब अपने नाँ नाल पूरा इंसाफ किया इस सोसायटी ने जिहड़ा सीबा स्कूल खोलिया। क्योंकि मैनू आप पता है लहरे विच कोई ढाबे दे उत्ते कोई अपनी वाइफ नूं जां अपने बच्चों नूं लैके रोटी नहीं खांदा सीगा, इन्ना पिछड़ा इलाका सी। इह कमलजी ढींडसे हुणी जदों आए वह कल्चर इन्हां ने डिवैलप किया। जिम दे विच कोई लेडी नहीं जांदी सी, इन्हां ने जिम दे विच लेडीज़ भी आउण लाईआं, क्योंकि आप भाभी जी उहनां नूं लैके जांदे सी जां बच्चों नूं लैके जांदे सी। ते इक चानण मुनारा है साबित होए ने लहरा निवासियों के लिए, तो यह सेंटर है जिहड़ा ये भी इस इलाके होर अगे तक लैके जाऊगा। देखो जी लोगों पता भी मैं इलैक्शन चाहना, पर मैं नहीं पता भी मैं मतलब पॉलिटिक्स के आना भी जहाँ कोई इलैक्शन लड़नी, मेरा कोई अजे कोई इरादा नहीं है। तो मैं अपने काम वाल ही ध्यान है मेरा, यही वधिया परमात्मा चलाई जाए। और बहुत लोग प्यार देंगे ने, इज्जत देंगे ने, इन्ना ही बहुत है। हाँ जी फिल्म आ रही जी पंजाब के लोगों को हसाउण हसाउण ते सिर्फ हसाउण। लोग तकरीबन सब दी कम्माकारां दे विच स्ट्रेस भरी लाइफ है, उन्हूं दो घंटे लिए रिलीफ देने लिए फिल्म बना रहे हैं। माँ छिन्न मस्तिका धाम मास्टर तारा सिंह नगर में परम पूजनीय माँ जी के प्रवेश दिवस के उपलक्ष्य में 53वां माँ भगवती का जागरण बड़ी ही श्रद्धा भाव से करवाया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा और राजेश अग्निहोत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। जिसका गुरु नहीं है वो बढ़ता गया था। ये मैं नहीं कहता कि हमारा पाठा जाता है। चुके हैं, आपके समक्ष विराजमान है, इनका दरबार में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जयकारा बेरा करने वाले माई जी का, इनका माँ जी के चरणों के प्रति बहुत लगाव है। माँ जी से आशीर्वाद लेने अवश्य आते हैं। जब भी कोई यहाँ पर प्रोग्राम होता है तो माँ जी इन्हें मेर की छाया इसे तरह बनाई रखे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे, इन्होंने तंदुरुस्ती का बल बख्शे।
और अब एक जरूरी सूचना, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं गुमशुदा इकबाल की है, जो कि नज़दीक गुरु अर्जुन देव स्कूल किशनगढ़ रोड करतारपुर का निवासी है, जिसकी उम्र 15 वर्ष, कद लगभग 4 फुट और रंग गोरा है। गुमशुदा इकबाल बोलने में सक्षम नहीं है और पिछले 3 महीनों से लापता है। अगर किसी को इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो मोबाइल नंबर 8776 4 7086 872 7 0 8 0 1 6 9 या फिर 9 8 7 7 0 3 6 8 2 7 पर या थाना करतारपुर पर संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने वाले को 10,000 रुपये का उचित इनाम भी दिया जाएगा। गत रात्रि संगरूर के गांव घाबदा में रात्रि 1 बजे के करीब चली आंधी और बिजली विभाग द्वारा बिजली छोड़ने के कारण गेहूं की फसल में आग लग गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए किसान गुरध्यान सिंह ने बताया कि देर रात चली तेज आंधी और बिजली विभाग द्वारा जब लाइट छोड़ी गई तब गेहूं की फसल में आग लग गई, जिस कारण साथ लगते गांवों तक आग मिनटों में फैल गई, जिसमें 40 एकड़ के करीब गेहूं की नाड़ और 4 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। उन्होंने बताया कि 1.5 लाख के करीब गन्ना भी इस आग की चपेट में आ गया, तो वहीं उनका घर भी इस आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद नज़दीक गाँव वासियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये आग इतनी फैल गई कि उन्हें अपने परिवार सहित घर से बाहर निकल मक्के की फसल में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। वे इस घटना संबंधी जानकारी देते हुए उच्चाधिकारी वीरेंद्र दीपक ने बताया कि उनकी टीम की ओर से सुबह जायजा लिया गया है। इस खेत में कोई कंबाइन नहीं चल रही थी, जिसके चलते बिजली के कारण ही आग लगने की संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसान के हुए नुकसान की जानकारी साझा कर आगे भेजी जाएगी। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सर जी, मैं ड्यूटी ते बुलाए, सानू असी ड्यूटी ते वग गई, चलो असी खड़े 3-4 मुंडे सानू बुलाए असी ड्यूटी ते, असी इहो ड्यूटी ते सानू ऐ लगे भी हाँ भी दसो भी असी कहते उस लोगों ने भी कम बंद करा दो, कम बंद करन गए असी, जदों उन्होंने असी फोन दे विच वीडियो बनाने लगे सी, उन्होंने जो देखे भी हमला करता साढ़े उपर ही, जदों मेरे कही मारी पहला दूजे मुंडे कुट लग गए, मेरे कन्नी नूं आ गए पहले यो साहब दे हथ हथ मारे सी, यो साहब ने साइड ते करके फिर साढ़े कन्नी नूं आ गए, जो कही मेरे मारी मैनूं पता नहीं लगे भी किन्ने मारी किन्ने नहीं, इन्नी जनता दे विच कित्थे पता लगदा जी। सर ये साढ़े नाल बहुत भैड़ा एपीसोड होया, 17 तारीख दी रात नूं साढ़े ना प्रधान जी का हुक्म आया सी, इदां करके गीतामान रोड ते एक बहुत वड्डी नजायज़ उसारी हो रही है, उन्हों रोकया जाए। असी मैं अपने साथियों नाल लैके उत्थे उसारी रोकण गया, तो उस समय उसारी कर रहे लोग ने जिहड़े ओह तकरीबन 40-45 दे 50 दे रेगड़ च लोग सी जिहड़े फटाफट नजायज़ उसारी कर रहे सी। रात का समा सी कोई 8:30 बजे का, तो असी उन्होंने रोकण लई कहा भी उसारी रोको, तुसीं कानून अनुसार उसारी करो, परंतु उन्होंने उसारी रोकण तो इनकार करता। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि साडा प्रशासनिक अधिकारियों नाल गलबात हुई है जी, तुसीं कौन हो रोकण वाले, तुसीं जाओ इत्थों, असी तां इह उसारी करांगे करांगे। तो उस तो बाद असी मैं ईओ साहब नाल गल करी, ईओ साहब कहिंदे मैं आ रहा, ईओ साहब आ गए, ईओ साहब कहिंदे बिल्कुल किसी नाल कोई गलबात नहीं हुई, इन्हां दी उसारी जिहड़ी आ पटावांगे। इन्नी गल ईओ साहब ने कही है, इन्नी गल के बावजूद भी उन्होंने नाल दी नाल साडे दे मुलाजमां ते हमला करते आ, हमला करके उस मतलब कि मारन पै गए साढ़े सारे कर्मचारियों नूं, ते साढ़े उहदे 2 कर्मचारी ने जिहड़े एक आउटसोर्स सफाई सेवक फटड़ हो गया, उहदे कईआं बजीआं, तो उन्होंने कईआं नाल सोटियां नाल ते लोहे दे राड़ां नाल साढ़े ते हमला करते आ। साढ़े 2 कर्मचारी अजय कुमार ते शिव कुमार ने जिहड़े ओह जख्मी हो गए। परसों रात नूं कोई इशू होया सी नजायज़ उसारी नूं लै के, ये ढाउण गए होने उत्थे, उन्होंने इन्हां ते कुछ अटैक किया, दैट इज़ अ मैटर ऑफ इनवैसटीगेशन, पुलिस ने उहदी इनवैसटीगेशन की है। इन मैं खुद देख के आया, जिहड़ा साडा एक कॉन्ट्रैक्ट दा इंपलॉई सी उहदे सट लगी है, मैं वेख के आया, उन उहदे मत्थे विच सट वजी हुई सी, कुछ दंदां विच दस रहा सी मैनूं इशू है, लेकिन जो चैकअप किया वो ठीक है, उहदे दंदां च कोई प्रॉब्लम, सिर ते थोड़ी सट सीगी, हुण वो ठीक है बिल्कुल, अज वो डिस्चार्ज हो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो, इलाज उहदा हो रहा प्रॉपर हो रहा, मैं आप SMO नूं कह के आया सी कि प्रॉपर इलाज करना। दूसरी गल, इन्हां दी डिमांड सी कि FIR लॉज की जाए, वो मैं पुलिस तो पता कर लिया, FIR नंबर 77 कल दी डेट जिहड़ी है वो लॉज कर दित्ती गई है। दूसरी डिमांड है कि नजायज़ उसारी ढाई जाए,
मैं तो बींग SDM मेरा तो ये ड्यूटी बनती है ये कहना कि ये नजायज़ सारी नहीं जिन्या भी नजायज़ सारिया ने सारिया ढा देनिया चाहीदियां ने जे वो नजायज़ ने जे ओदी मालकी नहीं है। सुनाम गीता भवन रोड पर नाजायज़ निर्माण को रोकने के नगर कौंसिल सुनाम के कर्मचारियों पर अवैध निर्माण करने वाले लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते जख्मी कर्मचारियों को सुनाम सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। कथित आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर नगर कौंसिल के कर्मचारियों ने धरना लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उपचार अधीन कर्मचारी शिवा ने बताया कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों ने उन पर कस्सियों और रॉड के साथ हमला किया है, तो वहीं मौके पर पहुंचे SDM सुनाम जसप्रीत सिंह ने अवैध निर्माण को गिराने, कथित आरोपियों पर कार्रवाई करने और जख्मियों को आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया, जिसके बाद मुलाजिमों का गुस्सा शांत हुआ। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ना तो ये महकमे की लैकी हैगी है, जिहड़ियां इह तारां ने जी ढिल्लियां हुंदियां नेगियां, रात नूं जदों महकमे ने लाइट छड्डी है जी ते उदू बाद स्पार्क हो गई जी, 40-50 एकड़ का साडा नुकसान है जी, 4-5 जिमीदार भरावां दा जी, 4 किले किसी की कणक वह भी मच चुकी है जी। सर हाँ जी, सवेरे आए सी लिख के तो लै गए जी, असीं उन्हां नूं दस्सिया भी है तुसीं 1,00,000 रुपये ना तनखाहां दिंदे हो जी, ये शराब पी के दिने वेले बैठ के चले जाते हैं, कोई तारा वल ध्यान नहीं देंगे, नौ तो नवे मुंडे रखने जी जे बेरोजगार पैदे ने, एक बंद की तनखा तो 10 मुंडे रख सकते हैं जी, वो बेचारे काम भी इमानदारी करे साडे ना कोई नुकसान होगा जी। सर घर तो जी असं परमात्मा का सुखत करते हैं भी जो सा घर बच गया जी, चलो कोई गल नहीं, फसल नहीं ऐतकी हुई गाहू हो जाती है ना जी, तो बाकी आ गन्ना गा जी सामने देख सकते हो, गन्ना मच चुके जी 95 BC गए। हाँ जी, साढ़े घर दिल पे जी 2 एकड़ मक्की लगी हुई है जी, साढ़े उत्तों की पतंगे लिकट लग गए जी, घर में अग पैगी ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਫੀਡਰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ Pindra 1 ਜੋ ਕਿ ਭਲਵਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਕਾਰਨ ਹਨੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 1:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फरीदकोट पुलिस ने 2 नौजवानों को काबू करने में की सफलता हासिल, 4 देसी पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, 60 ग्राम हेरोइन की बरामद। सुनाम की बालाजी कॉलोनी में 11,000 वोल्ट की तार से करंट लगने से एक प्रवासी मिस्त्री की हुई मौत, टाइल लगाते समय लगा करंट। सुनाम में चोरों के बाद चोरनियों ने लोगों की उड़ाई नींद, सरकारी अदारे से चुराया पंखा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।